35 lakhs of Thane. Right, we'll continue with that. But in the meantime, from the Congress party, we have Mr. Rakesh Shetty, our old friend, the very articulate Mr. Rakesh Shetty, spokesperson for the Congress party at the moment with us. Rakesh Shetty saab, namaskar. Namaskar, Raju ji. Namaskar, Pradeep. Namaskar. How are you, sir? How are you? I'm doing well. So your opinion about the interim budget, sir, before we start off on... It is not an interim budget. This is an antim budget. And I hope that this is the last budget given by Finance Minister and the Modi government. Why do you say that, sir? You don't like the budget? No. She's done everything for everybody. If you see the overall, the way they have handled the finance, इस देश में अगर आप देखोगे कि 1947 से 2013 तक जी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का था, करेक्ट। और 2014 से 2024 तक 250 लाख करोड़ कर्जा हो गया देश के ऊपर। जी, 5 गुना ज्यादा हो गया, 5 गुना ज्यादा सिर्फ 10 साल में जी। जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 70 साल में आपने कुछ नहीं किया, अरे सभी सरकार इंक्लूडिंग वाजपेयी जी का सरकार, इंक्लूडिंग वीपी सिंह जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अलायंस थी जी। इतना करने के बाद 55 लाख करोड़ और सिर्फ 10 साल में 250 लाख करोड़, मतलब सी द डिफरेंस। और आज आप ये बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष के पार्टी से हूँ, कांग्रेस का हूँ, इसलिए मैं क्रिटिकल हूँ, ये आप कह सकते हैं। मगर उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने फाइनेंस को इस देश का बिगाड़ा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण जी, मतलब इतने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आप देख लीजिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। आज राजस्थान का मैं आपको बात करता हूँ, कुछ ही महीने पहले उन लोग को शानदार जीत मिली, वो लोग ने वादा किया था राजस्थान की जनता को कि गैस सिलेंडर 450 रुपया में हम आपको देंगे जी, मगर आज 3 महीना हो गया अभी तक नहीं दे रहे। वो मतलब इसका मतलब क्या कि वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम दे तो सकते मगर आप बेवकूफ हो, इसलिए हम 900 रुपया में आपको देंगे। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि यह मेरी गारंटी है। और आयुष्मान भारत जो 5 लाख हर व्यक्ति को इलाज के लिए वो बात कर रहे थे, आयुष्मान भारत जिसका नाम राजीव गांधी आरोग्य योजना था, उसके बाद उसको महात्मा ज्योतिराव फुले योजना बना दिया, अब आयुष्मान भारत उसका नाम बदल के बना दिया। 5 लाख प्रति परिवार प्रति व्यक्ति को मिलेगा इलाज के लिए। आपको जानते हैं स्कीम इतना मिजरेबली फेल हो चुका है, प्राइवेट हॉस्पिटल को 2-2 साल से गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, सबने बंद कर दिया अपने अपने अस्पतालों। आज आप देखिए कि जो डेटा होता था कि नेशनल वाइज अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता था कि कितने लोगों को नौकरी मिली किसको नहीं मिली, नरेंद्र मोदी सरकार ने वो डेटा रखना ही बंद किया क्योंकि उनको नौकरी देना ही नहीं। मतलब आज रुपया का, जैसे नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात का, तब मुझे लगता है कि $1 इज इक्वल टू समथिंग लाइक 67 रुपीस था, और 1-2 रुपया जब और बढ़ गया था, मतलब रुपया की कीमत गिर गई थी, तब नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि कौन ज्यादा गिर रहा है, देश की रुपया का कीमत गिर रहा है या प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसके ऊपर कंपटीशन हो रहा है। आज आप देख लीजिए कि यूएस का जो डॉलर्स के हमारे रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। तो फाइनेंस के सेक्टर में, अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात करिए, किधर एफडीआई का वो बात करते थे कि हम लोग एफडीआई लेके आएंगे, डिफेंस में 100% एफडीआई ले, आप मुझे बताइए ना कहां पे काम हो रहा है उस सेक्टर में? राहुल गांधी ने हमेशा अपोज किया था कि आपने जो अनिल अंबानी को राफेल का ऑर्डर दिया उसमें भ्रष्टाचारी है और अनिल अंबानी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनको मत दीजिए। तब तो नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे और बाद में हमने देखा कि कुछ दिन बाद रिलायंस
का दिवालिया हो गया, अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए। सेम अभी उन्होंने उनके जो दोस्त है गौतम अदानी, इसराइल से सब टाइप उनके कंपनी के साथ करा दिया। फिर से राहुल जी अभी अपोज कर रहे कि कह रहे कि अदानी को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे उनको डिफेंस का डी नहीं आता है, उस व्यक्ति को आपने दे दिया है। तो आप आगे देखिए कि अदानी ग्रुप का क्या होता है। बिकॉज क्या है कि आप सिर्फ अपने जो दोस्त है उनको बड़ा बना रहे और बाकी का पूरा इंडियन जो सेक्टर है इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज है साहब के कांग्रेस के काफी लोगों ने आज ये कहा है और उद्धव ठाकरे जी ने भी आज अपनी सभा में कहा है, जो उन्होंने सभा लिया आज अलीबाग में, कि भाई हेमंत सोरेन साहब ने क्योंकि एनडीए ज्वाइन करने से इनकार कर दिया तो उनको जेल में भेज दिया, अजीत दादा पवार क्योंकि एनडीए में आ गए तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया, तो इसमें कहां तक सच है? मतलब व्हाट ड्यू देखिए, ऐसा एक पूरा फैनलिस्ट बन सकती है राजीव जी। आपको याद होगा भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर ये बोलते थे कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला जी। अजित पवार कम से कम 15 साल से इरिगेशन मिनिस्टर रहे, शरद पवार तो नहीं थे इरिगेशन मिनिस्टर। अगर घोटाला का बात सच है, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री तो सच बोल रहे, अगर वो सच बोल रहे थे और अजित पवार ने अगर करप्शन किया है, ये जैसा भाषण हुआ 3 दिन बाद अजित पवार ने जाके बीजेपी के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पाक साफ ईमानदार पार्टी बोलती है उन्होंने उनको डेप्यूटी सीएम का पद का शपथ दिलाया। तो ये सबने देखा, शिवसेना का भावना गवली थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रताप सरनायक था, ऐसे पूरा फायर लिस्ट है। आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तो ये लोग कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको ईडी का नोटिस दिया। नारायण राणे के ऊपर ईडी ने नोटिस भेजा था, जैसा वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो सके निर्दोष मुक्त कर दिया। तो ये तो इसका पूरा फेयरलिस्ट बनेगा और ये लोग इतिहास में याद रखेंगे कि इस देश में इस तरीके का एक प्रधानमंत्री था जो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते थे, वो भी खुलेआम, छुपा के नहीं, खुलेआम फायदा। तमाम विपक्षी दल के जो नेता जो भ्रष्टाचारी थे उनको अपने पार्टी में लाने के बाद उनको क्लीन चिट देने का काम किया, क्लीन चिट ही नहीं दिया उनको फिर से मंत्री बनाया। आज जिस अजित पवार के ऊपर आरोप लगा के पूरा शिंदेगढ़ सरकार से बाहर चली गई, आज वही अजित पवार डेप्यूटी सीएम है, वही अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर कोई भी चला जाएगा वो साफ बनकर बाहर निकलता है और वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो सच्चाई उसमें है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा नीतीश बाबू को ईडी का समन आया, नोटिस आया, उनको धमकाया गया, उन्होंने इंडिया अलायंस से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास डाले। उसके बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी दोनों को ईडी ने ग्रिल किया, वो लोग इतने मजबूत थे कि आज भी वो इंडिया अलायंस के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको ईडी का नोटिस, लगातार 1 साल से उसको प्रेशर किया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ, उन्होंने नहीं सहारा, उनको जेल भेजने का काम किया। आज महाराष्ट्र के अंदर अभी अभी रोहित पवार ईडी का इंस्पेक्शन, मतलब 7-8 घंटे उनको ग्रिल करने के बाद अब बाहर आए हैं। तो लगातार विपक्षी पार्टियों का एकता को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने ये 9-10 साल में काम किया है तो आपको आपके मेरिट आपके काम के नाम पे आपको चुन के आना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष के नेताओं का एकता को तोड़े, उनके ऊपर आरोप भी लगाते हो, उसके बाद उनके ऊपर ईडी छोड़ते हो, उसके बाद उनको जेल भी नहीं भेजते। अगर उन्होंने पलटा बदल दिया तो उनको अच्छे अच्छे पोजीशन फिर से दे देते, मुझे ऐसा लगता है। राकेश शेट्टी साहब, ये क्या है कि टुडे आई थिंक मनु सिंह भी, अभिषेक मनु सिंह भी, सर सिंह साहब ने कहा कि 95% ऑफ द पॉलिटिशियंस दैट हैव बीन बुक बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सिंस 2014 आर ऑल ऑपोजिशन लीडर्स, दैट वाज अभिषेक मनु सिंह भी साहब ने बोला। बट यू नो अपार्ट फ्रॉम देयर व्हाट वी आर सीइंग द इंडिया अलायंस ब्रेकिंग अप, इंडिया अलायंस इज ब्रेकिंग अप, ममता बैनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल इज नॉट हियर नॉट देयर, तो दीज आर
are they connected to enforcement directorate? I don't think Mamata Banerjee is ever scared of enforcement directorate. You've got other equations. Where are the equations failing? Why is the Congress not able to convince these alliance partners to be along, and the greatest threat is that Narendra Modi should not be repeated in 2024? Why is the Congress failed in convincing your alliances? Shetty sir. See, Pradeep ji, Mamata Banerjee ke bhatije Abhishek Banerjee. अगर ममता बैनर्जी को ईडी से डर नहीं लगता है, वो तो बहुत बिंदास लीडर है, बट अभिषेक बैनर्जी को करीबन एक साल से ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको पता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी का, और ये हमेशा इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखो झारखंड के अंदर 24 घंटे हुआ 45 विधायक को लेकर बस चली गई, गवर्नर ने अपना गेट नहीं खोला क्योंकि उनको अपना हेड काउंट कराना था और शपथ लेना था। उनके पास हेमंत सोरेन का लेटर है, गवर्नर ने उनको गेट नहीं खोला, उनको बाहर भेज दिया, उनको कहा जब हमें ठीक लगेगा हम आपको बुलाएंगे। मतलब ये गवर्नर जो एक संविधान पद पे बैठे हैं, उनको भी मिसयूज कर रहे। तो देश की जनता ने बड़े बड़े सरकारों को देखा है, और यही नहीं बड़े बड़े डिक्टेटर्स को भी देखा है। इनका अब समय 2024 में जब ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला करेगी, और जनता जो भी फैसला करेगी। That gives a very strange impression, क्योंकि बिहार में आधा दिन भी नहीं लगा गवर्नर साहब को नीतीश कुमार जी को दोबारा बुलाने के लिए। उन्होंने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया, आधे दिन के अंदर उन्होंने दोबारा बुला लिया। अब चंपाई सोरेन जो है उनके पास मेजोरिटी है, 43 लोग हैं उनके पास, 43 हैं एक्चुअली, दो और अगर ऐड कर लें तो 45 हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब को ऐड नहीं किया है। तो 45 होते हैं और सामने 32 हैं, क्लियर कट है हिसाब किताब, लेकिन उनको अभी तक बुलाया क्यों नहीं गया? मतलब मेरी समझ के बारे में, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आप लोग तो मुंबई में हैं, महाराष्ट्र का भी गवर्नर जो था, आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने एक बार लेटर देने के बाद आपको एमएलसी अपॉइंट करना होता है। 12 एमएलसी आज 3 है घर पे बैठे। आपको पता है ये महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हो रहा है इससे। उसी तरह झारखंड में अभी 24 घंटे से मुख्यमंत्री नहीं। और अब हमें सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, या सब जगह क्या कैसे दूसरे पक्ष के एमएलए को तोड़ती है और अपनी तरफ कर लेती है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रेशर टैक्टिक्स, मनी पावर, मैन पावर सब यूज करके विधायकों को तोड़ने का काम करेगी, ये मुझे लग रहा है। शरीफ साहब, यू नो राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं, इट इज वेरी इंप्रेसिव, बट व्हाई इज इट नॉट गोइंग द लास्ट माइल एंड टचिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल? जहां जो भी 4-5 चीज वो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर फियर एंड राइट विंग एक्टिविज्म, ये सब बोलते हैं। राहुल गांधी जी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अडानी जी, 35,000 crore किसका है, 20,000 crore किसका है? In spite of all these allegations, is it because Rahul ji bol rahe, but aap hi ke party ke jo alag alag CM the, chahe Rajasthan ke earlier former CM ho, ya abhi Telangana ke CM hai Revant Reddy ji, alag alag Bhupesh Baghel ji when he was CM, they were dealing with Adani. To bhale Rahul Gandhi ji was appealing, he was right, but because down the line aapke log Adani se deal kar rahe the, तो यू नो पीपल वर नॉट बिलीविंग व्हाट्स हैपनिंग, दे कंफ्यूज क्या हो रहा है। टॉप बोल रहे कि चोर है और नीचे सब लोग मिलके हाथ मिलके काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट चेंज अप? इज इट नहीं प्रदीप जी, हम राहुल जी को 2002 से देख रहे हैं, और यही गलत फहमी लोगों को है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है। यही एक्शन से आप देखिए, राहुल गांधी अगर अपने तरीके से पार्टी चलाना चाहते, जैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, अगर उनका पूरा पार्टी पे अगर कंट्रोल होता तो ये चीजें नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लोगों को लगता होगा कि गांधी परिवार चला रही, बट ये सच्चाई नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के लोगों ने चुना है रेवंत रेड्डी को, राहुल जी उनके वो प्रेशर नहीं करते और उनको कहते भी नहीं कि, क्योंकि वो रेवंत रेड्डी विल डू व्हाट इज गुड फॉर हिज स्टेट।
और अनलाइक मोदी जी जिस तरह से कंट्रोल करते हैं सभी चीफ मिनिस्टर्स को, उस तरह राहुल गांधी कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है डेमोक्रेसी के, और डेमोक्रेसी में देयर इज नो सुपर सीएम। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इंडिपेंडेंटली अपना सरकार चलती, ये उसका उदाहरण है। क्योंकि आपने बहुत सही बात बोला प्रदीप जी कि राहुल जी अदानी के ऊपर आरोप लगा रहे, और दूसरी तरफ जब राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी उन्होंने अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, रेवंत रेड्डी का जहाँ पे सरकार है तेलंगाना में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। दिस क्लियरली शोज कि कांग्रेस इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वी डजंट कमांड आवर ओन चीफ मिनिस्टर। No, but it reflects, you know, Shetty Saab, it reflects on the leadership. Bola ki leadership is fighting against corruption. Leadership is fighting against jo bolta na consolidation, consolidation of concentration of economic power in the hands of few. That is what Rahul Gandhi was saying. But you know, his own party people are not listening. To ye bahut bada leadership crisis ho raha hai isme. Nahi nahi, Pradeep ji, Rahul ji ka political belief agar aap dekhoge, he always talk about decentralization of power. If you remember, वो हमेशा कहते थे कि नीचे पंचायत से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे कमांड नहीं जाना चाहिए। This is decentralization of power. अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है स्टूडियो में बैठकर, मैं जैसा कार्यकर्ता भी ये समझता हूँ कि ये बहुत आसान होता है राहुल जी को फोन उठाकर रेवंत रेड्डी को कहना कि आप अदानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, मगर रेवंत रेड्डी अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं इसका मतलब दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड दिस व्हाट राहुल जी बिलीव्स इन। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सीएम बनने के बाद पार्टी अलग काम कर रही है और मुख्यमंत्री विल डू व्हाटएवर इज गुड फॉर हिज स्टेट। राइट, बट एट द मोमेंट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द राहुल न्याय यात्रा, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है उसका भी प्रभाव क्या है? एंड वी सॉ दैट इन असम हेमंत विश्व शर्मा ने सब टैक्टिक्स जो यूज किया, इसके कारण फोर्सफुली गोदी मीडिया को दिखाना पड़ा राहुल जी उनका विरोध होते हुए। आज ममता बनर्जी या टीएमसी ने या कुछ और लोगों ने, आपने देखा कि राहुल जी की जो गाड़ी है उसका जो ग्लास है वो सब टूट गए थे, आज पथराव हुआ उनकी गाड़ी के ऊपर। तो मुझे लगता है जितना अपोजिशन हमें विरोध करेंगे उतना कांग्रेस और राहुल जी का फायदा होगा। No, but Rahul ji's vehicles and convoy were also attacked in West Bengal. West Bengal maybe. I mean, this is more confusing for the entire country because ये आपके India Alliance के group है. अगर वहीं पर भी Rahul Gandhi safe नहीं है, Rahul Gandhi ji का convoy safe नहीं है, then what message? You know, ये conflicting message जा रहा है लोगों को कि लोग ये आपने जब कहा कि 62% people have not voted for Modi and Rahul Gandhi ji is rallying the 62%, people believed you. People also believed that 62% ये जो formula है, it is a willable formula. और if Rahul Gandhi ji का यात्रा वगैरह से जब 62% जुड़ता है, तो you got a chance to dethrone a dictator that you call is a dictator, totalitarian, authoritative rule. But राहुल जी के ही कॉन्वॉय पे अटैक हो रहे हैं, राहुल जी के कोई सुन नहीं रहे, राहुल जी के, तो दिस इज सेंडिंग, यू नो राकेश शेट्टी साहब, इलेक्शन से पहले कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज एंड सिग्नल्स अलोंग द इलेक्टोरेट कि हम लोग क्या विश्वास करें, लीडर कुछ बोल रहे हैं मगर यू नो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे ही वांट्स। सी, जहां तक सेफ्टी का सवाल है, देखो राहुल जी की दादी तो प्राइम मिनिस्टर थी और उनको उनके घर के अंदर उनके खुद के बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाए उनके ऊपर, तो सेफ्टी तो एक अलग कंसर्न है। हाँ, मगर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, उनको उनका काम ये बनता है कि अगर राहुल जी जैसे इतने बड़े लीडर आपके पास आए हैं, उनका रैली है और सब परमिशन लिया हुआ है, तो प्रोटेक्शन आपको अच्छा करना था कि इस तरीके के अटैक्स ना हो। ये तो जरूर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये इसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए। बट व्हाई वुड इट हैपन, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज सिक्योरिटी लैप्स एंड दिस इज हैंग ऑन अ मिनट। द क्वेश्चन आई एम कमिंग टू इज डिफरेंट। व्हाई इज देयर सो मच ऑफ एनिमोसिटी स्टिल बिटवीन द कैडर्स ऑफ द टीएमसी एंड द कैडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी? एट वन टाइम ऑल ऑफ यू वर टुगेदर, सो व्हाई कांट दैट टुगेदरनेस बी रेजरेक्टेड, सो टू स्पीक?
जब इंडिया अलायंस वॉज फॉर्म्ड, आपको पता है जी कि दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमारा विरोधी पार्टी टीएमसी है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी हमारे विरोधी पार्टी जी है। तो ये बात किधर छुपानी है। और जब राहुल जी का यात्रा हो रहा है और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड में, तो नेचुरली जो हमारे आज अलायंस है लोकसभा के लिए, मुझे नहीं लगता है विधानसभा में हम लोग सेम स्थिति में रहे। तो नेचुरली राहुल जी का पॉपुलैरिटी से लोग घबराए हुए और उसका ये रिपल्शन एक्शन है, बाकी कुछ इस पे नहीं कहेंगे। तो राहुल जी की पॉपुलैरिटी तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने देखा, अभी भी स्क्रीन पे जो चल रहा है देख, हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी इट राइट देयर। बट डू यू थिंक दैट वी कन्वर्टेड इनटू वोट्स, ये वोट में तब्दील होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हम लोगों ने देखा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ थी, अभी न्याय यात्रा के दौरान भी लाखों, और लाखों की भीड़ अगर ऐड किया जाए तो आखिर में क्रोर्स ऑफ पीपल हैव कम टू सी राहुल गांधी एंड टू सपोर्ट हिम। So why does it not translate into votes? It is converting. मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद कर्नाटका में चुनाव हुई, हमारी सरकार आ गई। हिमाचल में चुनाव हुई, हमारी सरकार आ गई। तेलंगाना में चुनाव हुई, हमारी सरकार आई। और आपने देखा होगा कि पांच राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर करोगे तो ओवरऑल हेड काउंट वोट्स अगर देखते हो तो कांग्रेस हैज गॉट 11 लाख मोर वोट देन बीजेपी। जहां पे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वहां पे हमें उनके पार्टी से 11 लाख वोट ज्यादा मिले। एंड दिस नंबर टॉक्स फॉर इटसेल्फ। हम या बट द ओनली थिंग इज दैट द बीजेपीस इलेक्शन कैंपेन एंड इट्स स्ट्रेटजी इज वेरी फोकस्ड, दे नो हाउ टू विन। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में, मैं आपको नंबर्स देता हूं, देर आर एटलीस्ट 20 सीट्स जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज अबाउट 500 और 550 वोट्स, 500, 550, 600, 700, 1000 वोट के करीब है। तो मतलब अगर वहां पर अच्छी तरीके से, संगठनात्मक तरीके से, अकल से अगर काम होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत साहब को कोई हरा नहीं सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब की जो तनावपूर्ण स्थिति थी, शायद उसकी वजह से आप लोग हारे सर? नहीं, जहां तक राजस्थान का सवाल है, वो हमेशा एक पेंडुलम स्टेट रहा है और हमेशा वहां पे आप देखोगे या तो फिर कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा ही वो हमेशा होता है। मगर हम जब भी हारे ना राजस्थान में, बहुत बुरी तरह हारे। मगर इस बार बीजेपी और हमारे इसमें डिफरेंस सिर्फ 1.5% का था। 1.3% 1.3, इट वाज अ वेरी क्लोज फाइट। यस इट वाज। मध्य प्रदेश में हम लोग बिकॉज ऑफ वेरी गुड कैंपेन बाय शिवराज सिंह चौहान, हम लोग वहां पे, क्योंकि लाली गुड़िया करके उन्होंने जो स्कीम लाया, लोगों के अकाउंट में 4,000 रुपया गए, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी पैसा चला गया, इसलिए वहां पे आप देखोगे तो हम लोग का 6% डिफरेंस है। छत्तीसगढ़ अगेन 2.5% का डिफरेंस है। तो हम लोग ज्यादा पीछे नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। अभी आप देखो कि साउथ इंडिया से बीजेपी मुक्त हो चुकी। सर द सेम लॉजिक अप्लाइज, जो लॉजिक आप दे रहे हैं बीजेपी आल्सो अप्लाइज द सेम लॉजिक। वो कहते हैं कहां बीजेपी मुक्त भारत है, कर्नाटक में भी हम काफी कुछ सीटें जीते हैं, तेलंगाना में भी जीते हैं, और तेलंगाना में उनके केवल 12-13% वोट आए, विच इज क्वाइट ह्यूज फॉर द बीजेपी। तो I don't think any party can be, any region can be said to be mukt, whatever. Correct. और कांग्रेस को मुक्त करना तो सर असंभव है, 139 साल पुरानी पार्टी है, कैसे भारत मतलब कांग्रेस मुक्त भारत तो हो नहीं सकता। Unless and until the Congress decides one day to get up and say that okay we are shutting shop and we are now not going to be in politics, then that's a separate issue. But what I'm trying to say is by giving the example of Rajasthan, मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये था कि भाई देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू ब्रेक द साइकिल, जो पेंडुलम का जो साइकिल था, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ब्रेक दैट साइकिल। आप जीत सकते थे, तो कहाँ कमी रह गई? आप लोगों ने अभी तक आत्मचिंतन तो किया होगा, एनालिसिस किया होगा। मैं एक करेक्शन करता हूँ, 2018 में जी राजीव जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य 2018 में हम जीते थे, 19 में हार गए जी।
2023 में हम तीनों हार चुके, अभी 2024 में हम जीत जाएंगे नेचुरली, क्योंकि आपकी आपकी 70 सीटें आई हैं सर, आपकी 70 सीट्स आई हैं, बीजेपी की 115 आई है, यानी 42 सीट उनकी ज्यादा आई हैं, आपकी 30 सीटें कम आई हैं, जैसे आपकी पहले थी, ठीक है सर? करेक्ट। हाँ, तो मतलब 48 सीटों से वो आगे है बीजेपी आपसे, इन 48 सीटों में इसमें मध्य प्रदेश में अगर हमने समाजवादी के साथ अलायंस किया होता जी, तो वी वर विनिंग इन 12 सीट्स। अभी वो हमारी गलती है, हमने अलायंस नहीं किया समाजवादी सर, आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड विद दैट। इन मध्य प्रदेश द इश्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान, वे विक्ट्री वाज राइट हियर, आपने अपने हाथ से छोड़ी है सर जीत को, तो वो क्यों छोड़ा है आपने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, व्हाई, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? आई डोंट थिंक इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय मिस्टर स्टालिन जूनियर अबाउट हिंदुत्व बीइंग ए डिजीज, और मिस्टर खरगे जूनियर एंड मिस्टर चिदंबरम जूनियर सपोर्टिंग हिम, आई डोंट थिंक इट कुड बी ओनली बिकॉज ऑफ दैट, देयर हैज टू बी सम अदर रीजन देयर, व्हाट कुड इट बी? जो मोदी जी ने गारंटी दिया है, वो मतलब कांग्रेस ने कहा कि हम 600 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 450 में दूंगा, बहुत सारे उन्होंने वादा किए, मगर हमें जैसा पता है कि सच्चाई केंद्र अभी वहां पे डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी है, अगर आप राजस्थान के लोगों से वादा करते कि हम एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपया में दे सकते, तो मुझे लगता है कि आपको महाराष्ट्र में भी देना चाहिए, राजस्थान में देना चाहिए, जहां जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है वहां पे। मगर इनके जो वादे है ना, वो अमित शाह ने बहुत सही कहा था कि ये सब जुमले और चुनावी जुमले, इसलिए वो कभी पूरा नहीं हुआ। एंड ओवर हियर प्रदीप जी, द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट राजस्थान इज दैट द कांग्रेस वोट शेयर हैज एक्चुअली गॉन अप इन राजस्थान। राजस्थान में आप हारे हैं, बट योर वोट शेयर हैज गॉन अप बाय 0.23% as compared to 2018 से 0.23% से आपका शेयर बढ़ा है। तो अब ये तो भाई कांग्रेस को देखना है। अब इसी बात पर मैं आता हूं सर, इसी बात पे मैं छोटा सा आपसे आपका दिमाग थोड़ा सा और मैं चाहूंगा आप इस पर लगाएं। जीती हुई बाजी आप हार गए राजस्थान में, जीती हुई बाजी आप हार गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, चलिए जाने दीजिए, वहां पर क्या हुआ, ईवीएम का मामला था, क्या था क्या नहीं था मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हमारे जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड से, वो तो यही बोल रहे थे कि भैया कांग्रेस आएगी, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूं मैं, एंड आई डोंट माइंड सेइंग इट राइट टू हियर इन पब्लिक एवरीवेयर। सर चंडीगढ़ में मेयर की इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आप लोगों के सर मिला करके आपके जो वोट हैं, मतलब यू हैव अ मेजोरिटी, 20 वोट आपके हैं सर, मतलब यू हैव अ मेजोरिटी और फिर भी हार गए, ये दिस रिक्वायर्स अ स्पेशल टैलेंट शेट्टी साहब, ये क्या हो रहा है, जीती हुई बाजी क्यों हारते हैं आप? जो चुनाव करा रहे हैं वो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, 8 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और सबके सामने आपके कैमरा में अभी दिख रहा है, आपके स्क्रीन में देख रहा हूँ जी, 8 लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई करने के बाद जबरदस्ती आप मेयर कैंडिडेट को बिठा देते हैं चेयर पे, और वही चीज आज झारखंड में हो रहा है। तो ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का, ये पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वहां के जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुना है और उनको मैंडेट दिया है, तो आपको लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ के लोग ये देख नहीं रहे कि हमारा मैंडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को है, जबरदस्ती बीजेपी वहां पे कुर्सी पे बैठ के मेयर का पोस्ट आत्या रही है, तो इसका तो इनको लोकसभा में राकेश जी शेरी साहब, मगर यू नो बीजेपी इज टेलिंग यू द सेम फेनोमेनन ऑल अक्रॉस द कंट्री, लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र कांग्रेस, and the people are rejecting Parivarvad, the people are rejecting, Kashmir mein Abdullah family is gone, Punjab mein Badal family is gone, Haryana mein Hooda family is gone, UP mein Yadav family is gone, Bihar mein Lalu Yadav family is gone, Maharashtra mein Uddhav Thackeray family and Sharad Pawar family is gone, on pure desh mein bol rahe Indira Gandhi family, Gandhi family is gone. Now how do you, ye bhi abhi jo BJP is projecting, that they projected yesterday, क्या सच्चाई है कि परिवारवाद को लोग ठुकरा रहे? देखिए अमित शाह, उनका लड़का जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, राजनाथ सिंह लड़का पंकज सिंह,
आप वसुंधरा राजे, उनका लड़का वो भी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अनुराग ठाकुर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आ रहे, पूनम महाजन हुआ, पंकजा मुंडे हुआ, मतलब लिस्ट ऑफ बीजेपी लीडर्स है जो परिवारवाद से आ रहे। तो पहला तो आप अपने पार्टी में जो परिवारवाद है उसको बंद करिए, जैसे अमित शाह को कहिए कि जय शाह को बोलो कि बीसीसीआई से सेक्रेटरी पद से रेजिग्नेशन देने के लिए। यू शुड लीड बाय योर एग्जांपल। आप आपके पार्टी के अंदर का परिवारवाद तो खत्म नहीं कर पा रहे, आप दूसरे को क्यों नसीहत दे रहे। और ये सच्चाई है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अगर किसी ने पॉलिटिशियन है जी, वो उसका बेटा अगर राजनीति में आता है तो वो पब्लिक के वोटिंग से आता है, डायरेक्ट सेलेक्ट होके नहीं आ रहा है ना, जैसे कोई भी चुन के आ रहा है। जैसे आज आपने बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाया, वो तो कोई वोटिंग से नहीं हुआ, वो तो आपका दबाव तंत्र से आया है। राहुल जी अगर आते तो वायनाड से वो चुन के आए हैं। And is he going to stand from Wayanad again, or is he going back to Amethi? No, that is his choice now. He has to decide. But I hope he goes back to Amethi. You know what is happening in. I hope he goes back to Amethi. I really hope, because that's a constituency which has been nurtured and, since and 1977. Now people have rejected Smriti Irani and they want Rahulji back there, and that what is happening because we are getting ground. Now that will be very interesting. That's an election I can't wait to cover. Very frankly speaking, Rahulji fighting against Smriti ji again, and both are very dear friends. That would be wonderful. That would be really and truly wonderful for me personally. Rakesh Shetty Saab, always a pleasure talking to you. Thank you so much, sir, for coming. God bless you. Namaskar. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani. Thank you, sir. Thank you. Now, that would be really interesting. You know, I can't wait. It's going to be such an interesting battle. If Rahul Gandhi actually stands from Amethi again, wow, that would be something. I would love it. I would absolutely love it. I can't wait to go. But I hope he doesn't turn chicken. I hope he doesn't listen to his advisors. Because his advisors are very, mashallah, zabardast people. They will say, go, 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 go.